नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को SPM ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि भौतिक विज्ञान का मानव नेत्र एवं उसके दृष्टिदोष उसके निवारण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। तो ये मानव नेत्र होती क्या चीज है? तो आमतौर पर अगर हम देखें तो ये मानव नेत्र एक तरह का एक लेंस होता है जो एक ऑटो फोकस कैमरे की तरह ये व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसका अगर हम आकार देखें तो इसका जो आकार होता है दोस्तों वो 2.5 सेंटीमीटर एक व्यास गोलाकार होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम एक देखने का एक कोशिश किया। तो चलिए हम दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका संरचना किस प्रकार होती है। तो मैंने एक नेत्र की संरचना एक चित्र मैंने जो बना दिया है, तो इस पर हम एक एक महत्वपूर्ण जो एक अंगों पर हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसी यहीं पर एक मैं देखने का मैं कोशिश करता हूँ। तो पहला हम बात करते हैं दोस्तों श्वेत पटल। ठीक है, तो ये श्वेत पटल है दोस्तों, ये नेत्र के जो एक चारों ओर एक अपारदर्शी जो है ना क्या होती है दोस्तों, एक माध्यम होती है ना, जो नेत्र को जो है ना एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों कार्निया। तो ये कार्निया एक श्वेत पटल और ये पुतली के जो बीच में जो एक उभरा हुआ एक तल के रूप में जो पाया जाता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं कार्निया। इसी जो कार्निया से जो प्रकाश की जो किरणें होती है वो अपवर्तित होकर वो एक लेंस में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये मैंने कार्निया पर भी मैंने जो बात किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों आयरिस। ठीक है, ये आयरिस होती क्या चीज है? तो ये पुतली के जस्ट सामने है ना, ये पुतली के जस्ट जो सामने दोस्तों ये आपका एक छिद्र जो ठीक है एक छिद्र जो पाया जाता है जिसे हम कहते हैं दोस्तों आयरिस। ये आयरिस का अगर हम एक्चुअल में अगर देखें तो इसका जो रंग होता है दोस्तों वो काला रंग का होता है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पुतली है ना। तो ये पुतली होती क्या चीज है? तो ये पुतली दोस्तों ये प्रकाश की जो एक समायोजन जो क्षमता पर वो डिपेंड करता है। जब प्रकाश के जब किरणें जब अधिक जब होने लगती है सॉरी जब प्रकाश अब अधिक मात्रा में जब हो जाती है तो ये पुतली जो है ना क्या होती है दोस्तों वो फैलने लगती है। ठीक है, जैसे ही जब हम छांव में जब इंटर करते हैं या जब जाते हैं तो पुतली का जो आकार है दोस्तों वो कम हो जाता है। तो आपने जब कभी का कभी जो एक आमतौर पर आपने जो देखा होगा जब अचानक धूप से जब किसी रूम में जब इंटर करते हैं तो कुछ समय के लिए कुछ क्षण के लिए जो है ना एक दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये इसी जो एक पुतली का जो आकार कम हो जाना या अधिक हो जाना वो इस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पुतली। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों रक्त पटल है ना, रक्त पटल या इसे हम कहते हैं दोस्तों कोराइड है ना, इसे हम कहते हैं कोराइड। इनका जो एक मुख्य जो कार्य यह होता है दोस्तों कि ये रेटिना के लिए है ना, दृष्टि पटल या जो रेटिना के लिए ऑक्सीजन एवं जो पोषण एक प्रदान करना होता है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों रेटिना या दृष्टि पटल। जब प्रकाश की जब किरणें या जो भी वस्तुएं की जो एक प्रतिबिंब का जो एक रचना बनता है दोस्तों इसी जो एक रेटिना पर ही बनता है, जिसके कारण से हमें दिखाई जो भी जो वस्तुएं होती है वो हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये था। उसके साथ मैं बात करूंगा दोस्तों कि कार्निया एवं जो है दोस्तों आयरिस के जो बीच में जो है ना एक द्रव पाया जाता है, एक लिक्विड जैसा एक हाँ लिक्विड या एक द्रव पाया जाता है जिनका जो मुख्य जो कार्य होता है दोस्तों ये जो लेंस होता है ना दोस्त ठीक है उसको एक गोलाकार को एक बनाए रखना होता है। ठीक है, जले द्रव का जो मुख्य जो कार्य है। इसके साथ साथ एक और इसमें जो एक द्रव पाया जाता है जो रेटिना और एक कार्निया के बीच में ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं दोस्तों काचक द्रव। यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है जो कार्निया और जो रेटिना के बीच में एक द्रव जो पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो वो एक काचक द्रव है। ठीक है, तो श्वेत पटल से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके जो पटल होती है दोस्तों क्या होती है वो एक अपारदर्शी होती है। ठीक है, जो इसका सुरक्षा या कवच के रूप में वो कार्य करने लगता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमको यह देखने को मिलता है। इसमें से एक और अगर हम बात करें तो इसमें जो नेत्र में जो है ना दोस्तों एक
बिंदी होती है, ठीक है ना, निकट बिंदु, ठीक है। तो जिस भी जो वस्तु, ठीक है, कोई भी जो एक वस्तु, हम निकट की जो वस्तु है वो स्पष्ट रूप से जो दिखाई देने लगती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं निकट बिंदु। तो निकट बिंदु का जो एक मैक्सिमम अगर दूरी देखें दोस्तों, वो 25 सेंटीमीटर तक होती है, जो एक निकट की जो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। उसके बाद होती है दोस्तों दूरी बिंदु, है ना। तो दूरी बिंदु क्या होती है, ऐसे जो वस्तुएं जो बहुत जो दूर तक हमें दिखाई देने लगती है, उसे हम कहते हैं दोस्तों दूरी बिंदु। इसकी दूरी अगर हम बात करें तो इसकी दूरी अनंत तक होती है, ठीक है। तो ये हो गया दूरी बिंदु, दूरी बिंदु, ठीक है। तो इसी जो है ना दोस्तों, निकट बिंदु और दूरी बिंदु, क्या बिंदु, निकट बिंदु, निकट बिंदु एवं दूरी बिंदु, इन दोनों के दूरी को ही हम कहते हैं दोस्तों क्षैतिज परास। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है, क्या बोला मैंने, कि निकट बिंदु एवं दूरी बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं दोस्तों क्षैतिज या क्षैतिज परास, ठीक है। तो निकटतम बिंदु की जो दूरी होती है दोस्तों कितना होती है, वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ से भी जो है ना एक क्या है, एक क्वेश्चन बन जाता है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने क्या है एक देखने का यह पर कोशिश किया, ठीक है। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ये मानव नेत्र की उसकी दृष्टि जो दोष होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और उसके निवारण पर भी मैंने बात करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। पहला है दोस्तों, दृष्टि दोष ना, मानव नेत्र दृष्टि दोष निवारण, ठीक है, इस पर मैं बात करूंगा, है ना। तो पहला जो दृष्टि दोष है दोस्तों, वो हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष। ये आपने सुना होगा दोस्तों, निकट इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो एक पास की जो वस्तुएं होती है या निकट की जो वस्तुएं होती हैं दोस्तों, वो दिखाई देने लगती हैं, लेकिन जब दूर की जो वस्तुएं होती हैं दोस्तों, वो दिखाई नहीं देती, है ना। तो जिसे हम कहते हैं दोस्तों निकट दृष्टि दोष, है ना। तो इसका जो जो कारण होता है दोस्तों, वो नेत्र की लेंस का जो आकार होता है वो बढ़ जाना होता है, या फिर कहें कि नेत्र का लेंस का वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो कारण क्या है, तो नेत्र की वेलेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, इसके जो कारण क्या होती है वो निकट दृष्टि दोष का वो सामना करना पड़ता है। तो अगर मैं इसका डायग्राम के आधार पर मैं देखूं, तो इस तरह से जो है लेंस होता है, इस तरह से, है ना। तो ये हो गया लेंस। जब प्रकाश की जब किरणें जब पड़ती है कोई भी वस्तु का, जब यहाँ सब देखा जाता है, तो इसका जो प्रतिबिंब एक रेटिना पर बनना था, लेकिन जो है एक रेटिना से जो पहले ही जो है ना प्रतिबिंब बना लेती है, जिसके कारण से जो निकट की जो वस्तुएं हैं वो दिखाई देने लगती है, लेकिन जब दूर की जो वस्तुएं होती है वो दिखाई देने नहीं लगती है, ठीक है। तो ये पर होता है रेटिना। तो रेटिना से पहले ही वो प्रतिबिंब बना लेती है, जिसके कारण से, ठीक है, क्या होती है वो, ये निकट दृष्टि दोष पा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो निवारण के लिए जो है ना क्या किया जाता है, तो इसके जो निवारण के लिए दोस्तों एक अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस पर मैं बात करूंगा। जैसे जैसे आपको जैसा कि आप जानते हैं कि जो उत्तल लेंस, ठीक है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ही ज्यादा प्रकाश की जो किरण को क्या कर देता है दोस्तों, वो अभिसरित कर देता है, वह एक जगह वो केंद्रित कर देता है, ठीक है। तो जैसे स्वाभाविक सी बात है कि जब ये लेंस का जब आकार बढ़ने लगेगा, तो प्रकाश की जो किरण को एक जगह जो है ना
उसकी जो फोकस जो दूरी होगा दोस्तों वो कम हो जाएगा। जैसे जैसे जब क्या होगा, इसका लेंस का आकार जब बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो इसका जो गुण ही होता है कि प्रकाश की जो किरणों को एक जगह केंद्रित करना या अभिसारित करना। तो इसको जो निवारण के लिए क्या किया जाता है कि एक अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है इस तरह से। ये हो गया, ये हो गया लेंस, है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम इसको देखते हैं ना इस तरह से। जब प्रकाश की जब किरणें जब वस्तु के साथ जब आने लगती है ना, तो इस अवतल लेंस का जो मुख्य गुण यह होता है दोस्तों कि जो प्रकाश की जो किरणें को क्या कर देती है, अपसरित कर देता है। अपसरित कर देट मीन्स होता है दोस्तों प्रकाश की जो किरण का होता है वो फैला देता है। जब थोड़ा जो फैला देगा ना, तो इसकी जो फोकस जो दूरी होता है वो सीधा जा करके वो रेटिना पर बनेगा, है ना। जब रेटिना पर बनेगा दोस्तों, तो जो वस्तुएं होती है, दूर की जो वस्तुएं प्लस पास की वस्तु, वो दोनों दिखाई देने लगेगी। तो इस तरह से एक माना निकट दृष्टि दोष का जो एक निवारण हमने जो देखा, तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है इसमें, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमने समझने का कोशिश किया। आई होप कि यहाँ तक के जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे देखता हूँ कि दूरदृष्टि दोष क्या होते हैं, मैं इस पर मैं बात करूंगा। दूर दृष्टि दोष, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष होती क्या चीज है। इसमें दोस्तों दूर की जो वस्तुएं होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं, लेकिन जब पास की जो वस्तुएं होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने नहीं होती या नहीं दिखाई देने लगती हैं, तो जिसे हम कहते हैं दोस्तों दूर दृष्टि दोष। इनका जो रीजन क्या है, यह उम्र के साथ क्या हो जाती है, उसका उम्र के साथ जो नेत्रों का जो एक लचीलापन होने लगता है ना, उसमें लचीलापन होने के साथ साथ इसमें एक समायोजन की जो क्षमता भी जो कम होने लगती है, तो जिसके कारण से ये दूर दृष्टि दोष, ठीक है, वो दोष ये पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको अब डायग्राम के मदद से हम समझने का कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या है, एक लेंस है, ठीक है, इस तरह से बनता है। तो इसका जो क्या होता है दोस्तों, ये जो क्या है, रेटिना है, रेटिना है। जब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, वो रेटिना के जब पीछे बनने लगेगा, यहाँ पर दिखाई देने लगेगा, जिसके कारण से जो है क्या होती है दोस्तों, दूर की जो वस्तुएं होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये रेटिना के पीछे बनता है इसका जो प्रतिबिंब, है ना। तो इस कारण से ये हो गया। तो इसके जो निवारण के लिए दोस्तों क्या होता है कि इसके निवारण के लिए एक और उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। तभी क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब है, इसकी जो फोकस जो दूरी होता है, उसकी फोकस दूरी को क्या है, एक रेटिना पर बनाना होता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनाना होता है। तो इसमें ये हो गया, ये जब प्रकाश की जब किरणें जो चलती है, तो ये थोड़ा कंसंट्रेशन क्या एक केंद्रित कर देगा, तो प्रकाश ये थोड़ा कंट्रोल करके ये बिंदु कहाँ पर बना देगा दोस्तों, ये रेटिना पर बना देगा, ठीक है। इस दूरदृष्टि दोष में क्या क्या कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझा दोस्तों, तो दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो इसमें जो है ना क्या है, रेटिना के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण से जो है ना दूर की जो वस्तुएं हैं ना वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं, लेकिन पास की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट रूप से वो दिखाई देने नहीं लगती हैं, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरा, तीसरा दोष क्या होती है उसको हम देखते हैं, दृष्टि विस्मय दोष, है ना, तीसरा दोस्तों। हाँ, एक और चीज दोस्तों, जो निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों, उसको हम एक मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ
जो दूरदृष्टि दोष होता है दोस्तों, उसे हम मेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से जो है ना, एक क्वेश्चन बन भी सकता है, तो इस नाम के आधार पर कंफ्यूज ना हो। तो तीसरे जरा देखते हैं, दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य दोष ये क्या होती है दोस्तों? ये क्या होती है दोस्तों कि जो कार्निया का जो आकार होता है वो एक अनियमितता के कारण उत्पन्न होती है ना? इसमें क्या, इसमें क्वेश्चन बनेगा इसका जो रीजन क्या है, तो कार्निया का जो एक अनियमितता के जो कारण ये उत्पन्न होती है ना, जिसे हम एक दृष्टि वैषम्य ये दोष कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो टेढ़ा मेढ़ा जो आकार कार्निया का था, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या? बेलनाकार, बेलना कार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, उसके बाद चौथा जो दोष है दोस्तों, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता क्या होता है दोस्तों? जब किसी भी व्यक्ति का जब एज जब बढ़ने लगता है तो उसकी समायोजन शक्ति कम हो जाती है। ठीक है, उसकी जो प्रकाश की जो जब प्रकाश की जब किरणें जब गुजरने लगती है जो नेत्रों के जो माध्यम से, तो कहीं की जो एक परावर्तन की जो एक परावर्तन होने लगती है, ठीक है ना, जिसके कारण से जो भी जो वस्तुएं जब दिखाई देने लगती है ना, तो वो एक धुंधली दिखाई देने लगती है ना, तो जिसे हम कहते हैं एक जरा दूरदर्शिता। तो इसके लिए जो है दोस्तों कि एक बाईफोकल या एक द्वितल लेंस का उपयोग किया जाता है ना? तो इसके निवारण के लिए कौन सा? द्वितल, द्वितल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो उसे हम एक बाईफोकल या बाईफोकल लेंस भी कहते हैं। तो ये बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है जरा दूरदर्शिता। इसका जो मुख्य जो कारण है कि उम्र के साथ या एज बढ़ने के साथ, जरा का मतलब जरायु मतलब उम्र के साथ बढ़ने के कारण ही जो है ना, इस तरह से जो है ना दोष देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ, या द्विफोकस तल। तो इसके लिए द्विफोकस तल, इसमें जो एक अवतल लेंस जो ऊपर में यूज किया जाता है और जो नीचे होता है दोस्तों वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें दो लेंस है अवतल, इसमें दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जरा दूरदर्शिता। ठीक है, तो ये था पांचवा है दोस्तों, मोतियाबिंद, जो एक महत्वपूर्ण जो एक इम्पोर्टेंट होता है। मोतियाबिंद, ये मोतियाबिंद होती क्या चीज है दोस्तों? ये जो मोतियाबिंद होती है, जब नेत्र लेंस में ये एक ऐसी जो एक स्थिति आ जाती है, या एज बढ़ने के साथ या जो उम्र बढ़ने के साथ, ठीक है, तो उसमें एक अपारदर्शी जो माध्यम में जो है ना लेंस जो है एक परिवर्तित हो जाती है, या एक अपारदर्शी जब प्रकाश की जब किरणें जब क्या होती है किसी भी जो एक लेंस को क्या करती है प्रेस करती है, तो क्या हो जाता है दोस्तों? वो पारदर्शी। लेकिन जब यह माध्यम जो लेंस होता है वो अपारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण से जब प्रकाश की जब किरणें क्या परावर्तन होने लगती है ना, जिसके कारण से वस्तु धुंधलापन दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या? मोतियाबिंद, है ना। तो इनको जो है ना इसके लिए जो यूज किया जाता है कि जो जो खराब वाला जो लेंस होता है दोस्तों, उसे एक ऑपरेशन के द्वारा जो एक निकाल, ठीक, ऑपरेशन के द्वारा एक निकाल दिया जाता है, तो उसके जो स्थान पर जो है ना एक कृत्रिम या आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों इंट्रासेलुलर लेंस। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंट्रा सेल्यूलर लेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो देखा कि ये मोतियाबिंद, तो ये मोतियाबिंद में देखने को मिलता है, तो उसमें जो खराब वाला जो लेंस होता है दोस्तों उसको निकाल दिया जाता है, तो उसके स्थान पर एक आर्टिफिशियल या कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, तो जिसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर लेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो एक पांच एक
महत्वपूर्ण जो एक दोषों को जो है ना हमने इस मानव नेत्र में उसकी दृष्टि दोष के अंतर्गत हमने देखने का जो कोशिश किया। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ तक के जो है ना समझ में जो आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।